आप सभी को मेरी तरफ से शुभ दीपावली, आई विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। चलिए बात करते हैं आज की पहली रेसिपी की, जो मैंने बनाई है कोकोनट मिल्क बर्फी। बहुत ही आसान है इसको बनाना, तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले ली है कढ़ाई, और इसमें मैं डालूंगी दूध। यहाँ पे मैं 1.5 कप दूध डाल रही हूँ। दूध को उबलने देंगे। देखिए दूध हमारा उबल गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/3 कप शक्कर। शक्कर को अच्छे से घुल जाने देंगे। शक्कर हमारी घुल गई है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप किसा हुआ नारियल, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। अभी मैं 1/2 कप और ऐड करूंगी, लेकिन वो बाद में ऐड करूंगी, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। 1/2 कप और डाल रही हूँ उसमें, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर। इसको मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। घी पूरी तरह से ऑप्शन है, अगर आपकी इच्छा ना हो उसको आप स्किप भी कर सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दिया है, इसको निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए पूरा मिक्सचर मैंने इसमें निकाल लिया है। इसमें थोड़ा सा मैं अलग कर रही हूँ। मैंने एक केक टिन लिया है, आप चाहो तो प्लेट भी ले सकते हो। इस पे घी लगा लेंगे अच्छे से। और इसको अच्छे से सेट कर देंगे। आप यहाँ पे बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, बटर पेपर से इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, बर्फी हमारी बहुत अच्छे से निकल के आएगी। अभी बचे हुए मिक्सचर में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कोको पाउडर। इसको हम हाथ से ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके ऊपर फैला देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए चारों तरफ अच्छे से फैला दिया है, और इसको सेट हो जाने देंगे थोड़ी देर के लिए। बर्फी हमारी सेट हो गई है, इसको हम अब रिमूव कर लेंगे। इसको हम अब सीधा करेंगे। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ये चांदी का बर्क, ऑप्शनल है ये। इसको
हम कट कर लेंगे। ये देखिए बर्फी हमारी एकदम तैयार है, लग रही है ना बाजार जैसी एकदम महंगी वाली मिठाई, तो इसी वाली बनाइए इस बर्फी को। चलिए शुरू करते हैं अपनी दूसरी रेसिपी को, जो मैंने बनाई है एकदम खस्ता मटरी लेयर्ड वाली मेथी फ्लेवर में। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 200 ग्राम मैदा, ये मेरे मेजरमेंट का कप है, तो नाप के मैंने 200 ग्राम मैदा ली है। इसमें मैं डालूंगी अब 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन, इसको हाथ से रगड़ के डालेंगे, 1 चम्मच कसूरी मेथी, इसको भी रगड़ के डालेंगे, इसको कर लेंगे मिक्स अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे अपना मोयन, यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप ऑयल, पूरा नहीं डालूंगी अभी, इसको मिक्स कर लेंगे। अगर हमारी मटरी में मोयन अच्छे से होगा तो हमारी लेयर खुद ही बनेगी, उसमें हमें सूजी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको इतना ही मोयन चाहिए। ये देखिए तो ये लड्डू बन रहा है, एकदम टाइट बन रहा है। आधा कप में से मेरा इतना तेल बच गया है, ये देखिए इसको मैं अब गुनगुने पानी से मारूंगी। थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डालना है और एक टाइट डो बना के तैयार करेंगे। जी डो हमारा तैयार है, अब इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। 1/2 घंटा हो गया है हमारे इस डो को, इसको थोड़ा सा और मल लेंगे। इसके दूर से कर रही हूँ, अब मटरी बनाएंगे हम। तो चकले का यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो सरफेस पे भी आप बेल सकते हो उसको, लेकिन आप उसको साफ कर लेना अच्छे से। आप इसकी थिकनेस देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कितना मोटा बनाया है, ये जितना ज़्यादा मोटा होगा उतनी ज़्यादा लेयर अच्छे से निकल के आएगी। आप चाहो तो उसको चाकू से काट सकती हैं, मैं यहाँ पे राउंड शेप का कुकी कटर ले रही हूँ, इससे मैं कट करूँगी इनको। इसको हम अपने डो में ही मिला लेंगे, इसी तरह से हम अपनी सारी मटकी बना के तैयार कर लेंगे। मेरी की सारी मटकी हमारी बन गई है, अब हम इसको करेंगे डीप फ्राई। ये तेल गर्म होने मैंने पहले से ही रख दिया था यहाँ पे, इसको चेक कर लेते हैं। गैस हम यहाँ पे मीडियम टू स्लो ही रखेंगे, तेज बिल्कुल नहीं करेंगे, बस इतना ही गर्म हमको यहाँ पे तेल चाहिए। अपनी मटरी डाल देंगे इसमें,
मीडियम टू स्लो आंच पे सिकने देंगे, ऐसे ही इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा चलाते रहेंगे। ये देखिए मठरी हमारी ऊपर आ गई है। ये देखिए मठरी हमारी सिकने पर आ गई है, बस थोड़ा सा और सेकेंगे इनको, फिर हमारी मठरी बनके तैयार हो जाएगी। और देखिए इसमें कितनी अच्छी लेयर बनी है। मठरी हमारी सिक चुकी है, अब हम इनको निकाल लेंगे। हम बाकी की बची हुई मछलियों को भी सीख लेंगे। अभी दोनों रेसिपी की डिटेल्स मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे जाके भी रेसिपी चेक कर सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।